नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। अपने सहयोगी नवीन बन्याल के साथ मैं अनिल ठाकुर। जिला ऊना में चोरी की वारदात का क्रम एक बार फिर से बढ़ गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक पंप हाउस है जो कि खेतों में लगाया गया है और ये मामला है ऊना जिला के आंब उपमंडल का, जहां पर बीती रात चोरों ने सिलसिलेवार ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लगभग एक दर्जन से ज्यादा जो पंप हाउस हैं उनमें लगी हुई मोटरों को चोरी का कर दिया है। यह भी हमारे साथ यहाँ पर, जहाँ ये पंप हाउस आप देख रहे हैं, यहाँ ये ताला तोड़ करके रात के समय इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और लगभग एक दर्जन से अधिक जो पंप हाउस हैं वो लूटे गए हैं और यहाँ से मोटरें जो हैं चोर चुरा कर ले गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर ये मोटर लगाई गई थी और यहां से सिलसिलेवार ढंग से ये जो चोरी का क्रम है लगातार जारी है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो यहां पर लगातार चोरियों का क्रम चलता रहा है और ये पीछे आप पंप हाउस देख सकते हैं, इसके साथ ये पंप और इसके साथ लगते जितने भी चुरुडू से लेकर हम्बोली तक के एरिया है उनमें जो है चोरी का सिलसिलेवार ढंग से की गई है। और यहाँ पर पीड़ित जो लोग हैं, किसान हैं जिनके मोटरें चोरी हुई हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे और कब ये अंजाम हुआ और किस तरह से क्या पुलिस को लेकर क्या कार्रवाई है और किस तरह से शख्स हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है सर। जी, हम कल शाम को जहाँ पे आए तो ताले देखे टूटे हुए थे। जी, तो कुंडी खोल के देखा तो मोटर सब चोरी हो चुकी थी। जी, हम अपना देखा, दूसरे पड़ोस वाले का देखा। जी, फिर जैसा से हम देखते रहे तो वैसे वैसे कॉल करते रहे एक दूसरे को। जी, और कॉल करने के बाद फिर सब आके अपना अपना देखा तो लगभग एक दर्जन 10-12 मोटरें चोरी हो गई। चोरी 12 के आसपास। तो इसको लेकर के कोई आपने मामला दर्ज कराया है या पुलिस को कोई जानकारी है? पुलिस को हमने प्रधान से कल फोन करवाया था। जी, तो उसके बाद में फिर प्रधान बोला कि मैंने SHO को फोन किया है, वो तो आए नहीं। जी, फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया, वो शायद शिमला में लगा था। शिमला से फिर उन्होंने बोला कि हम आपका ट्रांसफर करते हैं और वहां से भी कुछ रिस्पांस नहीं आया अभी तक। जी, तो लगातार चोरी की सूचना देने के बावजूद जो है अभी तक ना तो मामला दर्ज हुआ है और ना ही मौके पर पुलिस पहुंच पाई है। एक अन्य किसान है, उनसे ही बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। जो नाम? विजय कुमार। जी, तो कहां के कितने आपकी कितनी मोटर, आपका भी नुकसान हुआ? हाँ जी, हाँ जी सर, हमारा भी, हमको भी इन्होंने फोन किया था। जी, जो पास वाले हैं इन्होंने फोन किया कि आपके ताले टूटे हुए हैं सबके। तो हमने आके देखा तो ताला टूटा है और मोटर भी गायब है और पास वालों की भी मोटर गायब है सबकी। जी, हाँ जी। तो इससे पहले भी बता रहे हैं कि कुछ ये एक साल में दूसरी बार था ये लगातार इसी क्रम में लगातार। जी, पहले भी एक दर्जन के करीब ही हुई थी। जी, अब फिर फसल के टाइम पे ही। हाँ जी, फसल के, अब देखो ना जी, फसल बोई है हमने। जी, पानी कहाँ से लगाएंगे? एकदम 14-15 हजार रूपए कहाँ से लाएगा किसान? जी, हाँ जी। तो जगह भी थोड़ी है और हमारे घर भी दूर पड़ते हैं, कोई दिलमा का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। जी, और यहाँ रखवाली करने कैसे आएगा जी? नहीं तो स्थानीय लोगों को, क्या आपने किसी से बात की है, कोई अपनी जानकारी दी है कि कैसे चोरी हुई है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो सर अब पुलिस ने करनी है, हमने तो अपना काम कर दिया था। 100 नंबर पे फोन किया था तो कॉल उन्होंने दिया था नंबर अम्ब उठाने का, लेकिन उन्होंने किसी ने उठाया नहीं फोन। अच्छा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कल से फोन कर रहे हैं, सभी फोन कर रहे हैं। जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, तो एक अन्य किसान भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पीड़ित जो किसान हैं वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि गत वर्ष भी जो ये घटना हुई थी उसके बाद भी कोई स्टेप नहीं लिया गया था और अब ये दोबारा इसको पुनरावृत्ति हुई है, तो क्या कहेंगे, किस तरह से कितना नुकसान हुआ है? सर, नुकसान तो काफी हो गया ही होगा, साहब इसे ही हो गया। जी, तुसी किन्नी मतलब जमीन इत्थे बंदे और किन्ना ओहदे नाल है? अच्छा, 1 किला है। किन्नी ओहदे नाल है नुकसान होया है, बाकी लोगों का भी ओहदे नाल है? पिछली बार भी हो गया था? पिछली बार भी होया जी। अच्छा, नहीं फिर हुण फसल नूं पानी किदा लगना जे मोटर ही चली गई है? मोटर वाला नहीं पड़ेगी। अच्छा, पिछले साल भी गई है तो ओहदे नाल भी एहदे विच गया है ना? तो यहाँ पर और भी जो आप देख सकते हैं किसान है, ये खेतों में मक्के की फसल लगाने की तैयारी थी और यहाँ पर जो मोटर जो लोगों ने अपने आप ये ट्यूबवेल लगाए हुए हैं और इन्हीं ट्यूबवेल्स के माध्यम से सिंचाई की जाती है। आप देख सकते हैं कि सिलसिलेवार ढंग से, चाहे वो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं सामने एक सड़क है और उस सड़क का जो गेट है, गेट को छोड़कर ही वो लोग यहाँ इंटर करते हैं और यहाँ जो ये क्षेत्र है
बिल्कुल सुनसान है और ये रिक्लेम किया गया क्षेत्र है और यहाँ पर ये स्वा नदी का किनारा है जहाँ पर रिक्लेम करने के बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर पैदावार जो है शुरू हुई है। ये बिल्कुल स्वा नदी के साथ का एरिया है जो कि स्वान चैनलाइजेशन के बाद रिक्लेम हुआ है और रिक्लेम होने के बाद आप देख सकते हैं ये लंबा एक विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर अन्न उत्पादन किसान जो है अपनी कड़ी मेहनत से करते हैं और यहाँ पर जितने भी मोटर लगाई गई हैं वो सारी की सारी किसानों ने अपने खर्चे पर अपने ट्यूबवेल जो है लगाए हैं और यहाँ पर सिंचाई का कोई सरकारी माध्यम ना होने के बावजूद अपने दम पर करते हैं। लेकिन ये जो चोरी की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ती गई है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये दूसरा जैसा कि किसानों ने बताया कि ये इस साल का दूसरा बड़ा मामला है जब लगभग यहाँ से जो है ये बड़ा चोरी का मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ताले को तोड़कर और दरवाजा सारी चीजें यहाँ पर दरवाजे को तोड़कर चोर अंदर घुसते हैं और सुनियोजित तरीके से ये देखिए पंप हाउस से कोई भी पंप हाउस एक सिंगल ऐसा नहीं बचा है जहां पर की चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है। सिर्फ मोटर ही चोरी होती है यहां पर, सामान रखा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम चंद्र शर्मा है जी। जी, और ये सिर्फ खाली मोटर ही चोरी करते हैं ये और कुछ नहीं चोरी करते ये। अच्छा, पूरे किसी हाँ, भी बाकी पंप हाउस से कोई भी सामान नहीं गया? यहाँ पे जैसे कि पंप रखा हुआ है, टोकरियाँ रखी हुई हैं, तो वो कुछ हाथ नहीं लगाया उन्होंने, सिर्फ मोटर ही चोरी की है। बस सिर्फ मोटर चोरी हुई है, मोटर ही चोरी हो रही है। तो बिल्कुल उन्होंने एक निशाना बना करके मोटर को लेकर चले हैं और आप देख सकते हैं इधर का भी सिर्फ मोटर ही चोरी हुई है जी। ये सामने आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कि जहाँ पर लगातार ये मोटर बाहर ही थी तो ये बाहर से ही चोरी हुई है। ये कमरे तोड़े हुए जी, जी, उधर का भी कमरा टूटा हुआ है। अच्छा, ये भी कमरे को तोड़ के दी? कमरा भी तोड़ा हुआ है लेकिन मोटर बाहर ही थी जी। पहले उन्होंने देखा है कि कमरे के अंदर मोटर होगी तो उन्होंने ताला तोड़ दिया होगा। उसके बाद जैसे देखा कि अंदर मोटर नहीं है, यहाँ पे टायर के जो होता है ना ट्यूब से ढका हुआ था, तो फिर उन्होंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ है मोटर, अंदर नहीं है जी। फिर यहाँ फुटफुटाई की है पूरा, यहाँ से ले गए। आप बता रहे थे कि कुछ निशान वहाँ पर भी हैं जहाँ एक जगह उन्होंने सड़क के किनारे वहाँ पे कुछ सील सूल मिली है जी, जैसे वो रबड़ की सील होती है, जैन होते हैं ना जो मोटर में लगाए गए हैं, वो बनने के साथ में एक दो मिले हुए हैं वहाँ जो डाल रखा है उन्होंने। अच्छा, तो वहाँ अभी तक कोई इसका सुराग नहीं लगा है? नहीं जी। तो जैसे कि आपने सुना कि किसान बता रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से एक जो गिरोह है वो सुनियोजित तरीके से इन चोरियों का अंजाम देता है और पंप हाउसों को निशाना बनाकर लगातार ये इनको निशाना बनाता है और जो पंप हाउस के अंदर बाकी भी सामान कीमती गिरा रहता है वहाँ पर कोई ऐसी वारदात चोरी की नहीं होती है, कोई और सामान नहीं उठाया जाता है और सिर्फ पंप हाउस के अंदर जाकर के मोटरों को ही निशाना बनाया जाता है। और इसी के साथ ये जो सड़क है, इस सड़क के साथ लगते ही सारी मोटरों को एक एक करके यहाँ सड़क तक पहुंचाया गया। वहां पर भी किसानों ने बताया कि निशान बने हुए हैं और लगातार उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक जगह पहले अलग अलग जगह से चोरी की गई और चोरी करने के उपरांत उनको एक जगह पर स्टैक करके वहां आगे इनको ले जाया गया। अभी हमारे साथ एक अन्य किसान है, उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी चोरी हुई है। और लगातार सभी किसानों का जो है सिर्फ एक ही ये है कि जो चोरी है वो सिर्फ मोटर चोरों ने मोटर को अंजाम दिया है, बाकी कोई मोटर की चोरी के अलावा किए जो बाकी सामान गिरा हुआ है और कोई नहीं है। हमारे साथ एक अन्य किसान है जी, क्या नाम है आपका? संजय कुमार जी। संजय जी, कैसे हुई वारदात और कैसे पता चला आपको और क्या अब आगामी किस तरह से? मैं तो था ही नहीं इधर, इन्होंने कॉल किया भाई मोटर से भी चोरी हो गई है। अच्छा, तो मैं अभी जिस टाइम आया तो गेट तो लगा हुआ था, मेन गेट दो उसका ताला नहीं टूटा था। अच्छा, और सभी चेक किए पंप, बाकी तो पंप हाउस के तो ताले टूटे हुए थे, पंप हाउस के टूटे थे, मेन गेट का ताला नहीं टूटा था। अच्छा, तो मेन हाउस उसका ताला बिल्कुल सेफ है? बिल्कुल सेफ। तो फिर यहाँ से कैसे निकल के गए होंगे? वो तो पता नहीं अभी कैसे निकले, निकले तो है ना, कहीं से तो निकले है जी, ये होता है, हो सकता है दूसरी तरफ से निकले रास्ते को, ये ओपन एरिया सारा जी 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 जी। वहाँ से भी गायब होगी एक मोटर अंदर, अंदर थी वो भी गायब हो गई है जी। तो दो मोटर उधर से गायब हो गई है अंदर से, ताले तोड़े हुए नहीं। इस सारे क्षेत्र में आबादी नहीं है, बिल्कुल आबादी नहीं है, कल्टीवेशन लैंड है और इसके तरह एग्रीकल्चर के यूज होता है, तो यहाँ रहता कोई नहीं, रहता कोई नहीं, कोई नहीं रहता।
अच्छा, उस खाली होने की वजह से भी आप समझते कि एक बड़ा कारण रहा कि चोरों का, किसी को पता है कि नहीं आज इधर नहीं है कोई भी, अच्छा आया नहीं शाम को, अच्छा वैसे तो रहते हैं यहाँ रहते पर। रहते हैं, आते हैं हम खुद आते हैं जी, ठीक है ना, हम रात को 8-9 बजे इधर से जाते हैं जी, लेकिन बट पता नहीं चला क्या किसने को रखी की है, क्या किया है, इस हिसाब से चोरी हो गई। पुलिस को सूचना नहीं दी, कुछ लोग बता रहे थे कि सूचना दी है लेकिन मैं अभी तो लेट पहुंचा ना, मैं तो जलंधर में था, बट इन्होंने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी है बट पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की जी, प्रधान जी को भी बोला, सबको बोला जी, अभी तक कोई नहीं पहुंचा जी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली एक एरिया है, ये एरिया जो है पहले स्वान नदी का ही हिस्सा था और ये बिल्कुल खाली जगह होती थी और यहाँ पर खेती के योग्य कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्वान नदी का चैनलाइजेशन किया गया उसके बाद नदी तट के दोनों ओर हजारों एकड़ जमीन है वो रिक्लेम हुई है और यहाँ पर ये लोग बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी सिंचाई की सुविधा नहीं है और जिसके चलते जो किसान हैं वो लगातार अपने स्तर पर जो इसको यहाँ ये आप देख सकते हैं कि जितना भी एरिया है यहाँ पर छोटी छोटी जो शेड बना करके एक जो सिंचाई के लिए यहाँ पर इन्होंने अपने लेवल पर मोटरें लगाई हैं क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में वाटर लेवल जो है वो काफी ऊपर है तो ऐसे में किसानों के लिए खर्चा भी लगभग कम रहता है और ये अपनी सिंचाई के लिए फसल के लिए भी पानी की सुविधा बखूबी जो है अपने स्तर पर मुहैया करवा रहे हैं। लेकिन लगातार चोरियों की वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं। आप देख सकते हैं कि अभी मक्का की फसल लगाई जा चुकी है और मक्के की फसल के लिए इसके लिए पानी की बेहद आवश्यकता रहती है। यह अलग बात है कि अभी जो मौसम में बदलाव हुआ है उसके चलते यहाँ पर बारिश का माहौल हुआ है, लेकिन लगातार इसके लिए जो है मक्के की फसल और अन्य फसलों के लिए जो पानी की आवश्यकता रहती है। इस पूरे जो क्षेत्र है इसमें मक्के और इसके साथ धान की फसल जो है वो उगाई जाती है और इन दोनों फसलों के लिए पानी की जो है बेहद आवश्यकता रहती है। ऐसे में जब 6 महीने पहले इन स्थानों पर चोरी हुई है और अब फिर चली गई है तो किसानों को निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान हुआ है। ये लगातार पूरे क्षेत्र की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी मोटर है लगातार इसी क्रम में चोरी की गई है। अभी किसानों के लिए जो है किसानों ने जिस तरह से बताया कि उन्होंने पुलिस में भी मामला दर्ज करवाने की बात की है, पुलिस को सूचना भी दी है, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों की मांग है कि जिस तरह से लगातार 6 महीने पहले ही हुई ये चोरी का अंजाम दिया गया था उसको भी अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है और अभी तक जो है वापसी और अधिक ये जो चोरी का मामला आ गया है तो ये क्लियर है कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि किसान जो है निर्भीक रूप से अपना काम कर सके। अपने सहयोगी नवीन ठाकुर के साथ अनिल ठाकुर, पंजाब केसरी टीवी, बड़ौदा।